जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल अकेडमी में। तो भाई, एक एआरओ की मेरिट लिस्ट बताने के बाद लगातार सभी एआरओ से बच्चों के मैसेज आए थे कि सर हमारा एआरओ को भी बताइए। तो उन एआरओ के जो बच्चे थे उनसे जो डाटा लिया गया, जो हमने पीछे की जानकारी कि पिछली बार मेरिट क्या रही थी, कितने बच्चे थे, क्या कुछ था, वो सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद हम अब आपको ग्वालियर, गया और रांची एआरओ की मेरिट लिस्ट के बारे में बताने वाले हैं भाई। बाकी जो अदर एआरओ के हैं भाई, बाकी एआरओ के बच्चों के मैसेज आए हैं लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं है तो कैसे बता पाए। तो उनकी जानकारी अगर आप हमें बताओगे तो हम एक आइडिया, एक अप्रोक्सीमेशन, एक्सपेक्टेड डेट आपके कट ऑफ बता सकते हैं भाई। कोशिश करेंगे बताने की लेकिन एग्जैक्ट कभी भी नहीं होता ये आंकड़ा, ये आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है भाई, ठीक है। लेकिन जैसा हमने देखा है काफी सालों से, उसके आधार पर हम आपको एक आइडिया दे सकते हैं भाई। देखिए, अगर हम ग्वालियर एआरओ की बात करें, ग्वालियर के अंदर क्या हुआ था, पिछली बार टोटल 350 के आसपास वैकेंसी थी और मेरिट जैसा कि बच्चों ने बताया है 184 के आसपास मेरिट गई थी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक दो हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा, बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर भाई, ठीक है। लेकिन अब क्या है, 1100 बच्चों के आसपास बच्चों ने फिजिकल और मेडिकल पास किया है भाई। फिजिकल और मेडिकल लगभग 1100 के आसपास बच्चों ने किया है। तो यहां पर जो ग्वालियर एआरओ है उसकी मेरिट 170 प्लस माइनस 5 हो सकती है, यानी कि 165 से लेकर 175 के बीच में कट ऑफ रह सकती है एआरओ ग्वालियर की भाई। अब एआरओ गया की बात करते हैं। अगर आपको, देखिए हम भी लगातार कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कोई भी अपडेट होगी वो आपको देते रहेंगे इस चैनल पर, जैसा भी होगा आर्मी से संबंधित। तो देखिए, अगर गया एआरओ की बात करें तो पिछली बार 238 पोस्ट थी भाई, ये हमें बताया गया है 238 के आसपास पोस्ट थी। तो 178 मेरिट गई थी पिछली बार, अब की बार लगभग 1500 के आसपास बच्चों का फिजिकल और मेडिकल पास है। तो यहां पर भी मेरिट का जो आइडिया है वो 165 से 175 के बीच में रह सकती है और इससे जिसका इससे ज्यादा स्कोर है वो अपने आप को सेफ मान सकता है भाई। 170 प्लस वाले अपने आप को सेफ मानकर चल सकते हैं एआरओ गया के अंदर। रांची की बात करें तो पिछली बार 475 के आसपास वैकेंसियां मिली थी, 475 के आसपास, ठीक है, क्योंकि पहला बैच भी अग्निवीर का ही था। जो ये वैकेंसियां हैं ये अग्निवीर का पहले बैच की वैकेंसियां हैं, आपका दूसरा बैच है तो वैकेंसियां लगभग सेम ही रहने वाली हैं, वैकेंसियां लगभग सेम ही रहेंगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और मेरिट पिछली बार 156 के आसपास मेरिट गई थी, अब की बार फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाइड बच्चे हैं लगभग 2200 के आसपास हैं, तो मेरिट यहां पर जा सकती है भाई वही 150 से 160 के आसपास मेरिट रह सकती है रांची एआरओ की। तो ये तीनों एआरओ की इंफॉर्मेशन जो बच्चों से ली थी उसके आधार पर आपको बताया गया है भाई क्या आइडिया यहां पर मेरिट का हो सकता है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं भाई जो बोल रहे हैं कि हमें 16 तारीख को डॉक्यूमेंटेशन के लिए बोला गया था, अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। देखिए, अगर 16 को बोला गया था तो उम्मीद कर सकते हैं रिजल्ट आपका 2-4 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा लग नहीं रहा कि रिजल्ट आपका 2-4 दिन में आ जाएगा। हो सकता है इस सितंबर के लास्ट वीक के अंदर आपका रिजल्ट आए, लेकिन कोशिश आप उम्मीद यही कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी आए, आपका इंतजार खत्म हो और आपका डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए और उसके बाद आपको वर्दी पहनने को मिले। तो अगर किसी अदर और कोई एआरओ के बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं भाई, वो पिछली डिटेल और अब की डिटेल भेज दीजिएगा, उसके आधार पर आपको बता देंगे। अभी के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।